सर आपका नाम? आरवी सिंह एडवोकेट। आरवी सिंह एडवोकेट साहब, सर आप लोग यहाँ आए हैं इतने बहुत तादाद के अंदर, तो आज आपका आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जी, यहाँ पर हर साल लोग आते हैं, 14 अप्रैल को भी आते हैं, 6 दिसंबर का दिन है। आज भी हम लोग इसीलिए आए हैं कि कुछ लोगों को थोड़ा ये मालूम पड़े कि बाबा साहब की विचारधारा कहाँ है। ये भीड़ देख के, ये लोग देख के आप अंदाज़ा लगा लेते हो। हमारा दुश्मन तो बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लेता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज यहाँ कुछ नहीं, थोड़े बहुत लोग हैं, ये भी अपने आप चुप हो जाएंगे। और ये बात सच्चाई है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से बहुत कमी आई है बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में फैलाने के लिए। अभी लोग कहते हैं संविधान, मैं बता रहा हूँ आपको कि संविधान अपने आप में वो अस्त्र है जिससे सारी की सारी चीज़ों का मसला हल हो सकता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि संविधान के बारे में आज तक जनमानस को ज्ञान ही नहीं है। सरकार ने जब से आज़ाद हुई तब से और आज तक कभी यह कोशिश नहीं करी कि बाबा साहब का संविधान क्या चीज़ है। 26 जनवरी के दिन बड़े बड़े तमाशे दिखाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें दिखाते हैं और बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते थे। मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय से ही नवंबर का दिन निकाला है कि इसी को संविधान दिवस माने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन 26 नवंबर को भी कम से कम लोग संविधान का बात समझें तो मेरे ख्याल से समस्या हल हो सकती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अकेले उस महामानव ने करोड़ों का एक दुख दर्द धो दिए, लेकिन आज जो करोड़ जो लोग हैं और एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात को नहीं समझ रहे और नहीं समझा पा रहे हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं भी अपना करीब करीब 50 साल का पीरियड है, मैं आपको बता दूं, मैंने बड़े बड़े IAS अफसर्स, बड़े बड़े नेता, MP MLAs पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट किए हैं, बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े इंजीनियर्स, पता नहीं क्या क्या अपने आप को बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, आज इस मंच से बताना चाहता हूं कि उन लोगों को संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है। हमारे बहुत से लोग तो संविधान को IPCC RPC समझ लेते हैं, वो कहते हैं ऐसा लिखा है, ऐसा कानून है, ये है वो है। संविधान तो वो चीज़ है, मैं उनको बोलता हूँ भाई आप पढ़े लिखे हो, संविधान को ज़रा खोल के देखो। जिन्होंने संविधान की किताब तक नहीं देखी वो लोग भी संविधान का नाम लेते हैं, अफसोस की बात है। संविधान का नाम लेने से पहले उसमें क्या लिखा है, प्रीएम्बल वगैरह आप देख लेंगे, जो उद्देश्य क्या है, जो प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन लोग बोलते हैं, उसी में सारी की समस्याओं का हल है। वी द पीपल, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत मैं आपको बता दूँ यह है कि संविधान का जगह जगह प्रचार प्रसार हो। संविधान को पढ़ाए नहीं, संविधान में प्रीएम्बल क्या चीज़ है, फंडामेंटल राइट क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी क्या हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि Article 1 से Article 51A इतने के बारे में अगर हम अपने जनमानस को बता दिया जाए, ज़रूरी नहीं है कि एक शेड्यूल कास्ट को ही, मैं बोल रहा हूँ ये सबको बताया जाए। और अगर आप सबको बता देंगे तो उन्हें एक दूसरे के अधिकार, एक दूसरे के कर्तव्य समझ में आएंगे। बटने चुरा अज्ञानतावश आज लोग काम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में हमारे बहुजन समाज के लोग, वो वही अज्ञानता है। अगर उनको ज्ञान होता तो आपस में लड़ाई नहीं लड़ते, लड़ाई उस दुश्मन से लड़ते जिससे लड़ी जानी है। जो बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का पूरा जीवन उस दुश्मन से लड़ाई में बीता है, न कि बहुजनों से। सर अभी आपने बताया कि बाबा साहब का पूरा जीवन बहुजनों के हित में गुजरा है। सर आगरा के अंदर बाबा साहब ने बड़े दुख मन से कहा था, और हमने पढ़ा है और आपने तो शायद पढ़ा होगा और बताया भी होगा, बाबा साहब ने कहा था कि आज मुझे जो धोखा दे रहे हैं मेरे पढ़े लिखे लोग ही धोखा दे रहे हैं, अगर ये पढ़े लिखे लोग अगर सुधर जाएँ तो ये समाज सुधरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कथन कहाँ तक सत्य है? बाबा साहब का कथन आज से 60 साल पहले का है। मैं आपको बता दूं, आज भी उस कथन की उतनी ही प्रासंगिकता है। आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग, जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ाई नहीं कर रहे, भाषणबाजी कर रहे हैं, अपना अपना मंसूबा साध रहे हैं, लेकिन बाबा साहब क्या कह गए हैं उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। आज वही अफसोस है, इसीलिए हमारे बहुत कम लोग यहाँ दिखते हैं, या जहाँ भी सच्चा काम करना हो वहाँ पर सच्चे लोग ही आ पाते हैं, और सच्चे लोगों की तादाद बहुत कम है। मैं आपको बता दूँ, सच्चाई का मुकाबला करें, सच्चाई से काम को आगे बढ़ाएं, ईमानदारी को समझें, लेकिन ये शब्द तो डिक्शनरी से गायब हो गए हैं। बाबा साहब के कारवां को पूरा करने के लिए, इस देश में अमन चैन लाने के लिए आज मोदी जी चिल्ला रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मैं बता दूं, वो धोखा दे रहे हैं,
सबका विकास उससे नहीं होगा नारे से, सबका विकास होगा बाबा साहब के संविधान को लागू करने से। और दूसरी चीज जो हिंदू धर्म के बारे में रात और दिन आगाज हो रहा है, उसको जगह बुद्ध धम्म को अपनाने से। बाबा साहब की दो ही चीज़ें हैं इस देश को दी है उन्होंने, अगर हम दोनों चीज़ों का ध्यान रखें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुद्धा एंड इस धम्मा, ये दो चीज़ की ज़रूरत है, इसके अलावा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे बाबा साहब के सिपाही अगर इन दो चीज़ों का अध्ययन करके लोगों में जागरूकता फैलाएं, तो मेरे ख्याल से हमारा काम आसान हो सकता है। अदरवाइज़ हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, यही होता रहेगा और कुछ नहीं।